हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आप लोग सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम तो अच्छे ही हैं और थोड़ा काम में बिजी थे, तो इसीलिए हमने जो है ब्लॉग्स बनाना बंद कर दिए थे। लगभग 7-8 दिन हो गया, एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ। तो मैंने किस लिए बिजी थे, मैंने इसीलिए बिजी था कि हमारा जो ये है खेत, इसको हमने जुताई किए, उसके बाद अकेला तो थोड़ा दिक्कत लगता है, इसीलिए मैंने ब्लॉक्स नहीं बनाया। तो ये सब हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको हुड़ा बोलते हैं, जो लाइन लाइन सब है इसको हुड़ा बोलते हैं। इसी को बनाने में हम बिजी थे, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लगा। तो आज का ब्लॉक्स में थोड़ा उतना खास होगा नहीं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो हैं गाँव से रिलेटेड हर तरह की वीडियो इस चैनल में लाते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो ये आप लोगों को जरूर पसंद लगेगा। लोगों को भी थोड़ा घुमाएंगे, हम भी घूमेंगे। हम तो घूमेंगे नहीं। मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे, नहीं, मारो यार, मारो। हौसला रखो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम तो घूमेंगे नहीं, कुछ है कल हम रोपे, जो कि हमारे लहसुन है उसी ख़त्म नहीं किए, तो आज थोड़ा बहुत बचा है, तो उसी को मैंने ये जो है बैग में लाया हूँ। बैग तो नहीं, ये एक सीमेंट बस्ता है, जो कि देसी लहसुन है यहाँ पर है। ये देसी लहसुन है, इसको छोड़ाना पड़ता है, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं हूँ। तो इसको हम उस साइड में जो ये गमला दिखाई दे रहा है वहीं के पास हमने कल रोपे थे, लेकिन आधा आधी किए हैं। कल थोड़ा बारिश हुआ तो मैंने भाग गया मेरा चप्पल छोड़ के। तो यहाँ पर है, वहाँ उस साइड में, यहाँ तक पोटैटो आलू दिए हैं यहाँ पे, और इस दोनों में देंगे हम प्याज, तीनों में देंगे प्याज। उसके बाद यहाँ पे दिए हैं हम लहसुन, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है इसमें लहसुन दिए हैं उस डब्बा तक। और इधर गोभी है, बैंगन है थोड़ा थोड़ा, हमारे लिए सिर्फ खाने के लिए। और यहाँ पे है टोमाटो उतना दूर तक, और इधर का है गोभी, गोभी उधर है यहाँ से वहाँ तक थोड़ा थोड़ा। और ये है बैंगन या ब्रिंजल, अभी हम इसको रोपने वाले हैं यहाँ से वहाँ तक। तो देखते हैं, खाद थोड़ा काम है। और ये देख सकते हैं हम यहाँ पे धान लगाए थे, उसके बाद इसको जुताई कुड़ाई करके हमने यहाँ पे लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा हमको दिक्कत लगता है ये सब को हटाने में। तो कोई बात नहीं, हम हटा चुके हैं सब कुछ। तो मैं यूज़ करूँगा इसको, जो कि इस टाइप से लाइन खींचने में, इस टाइप से लाइन खींचने में, फिर यहाँ यहाँ हम जो लहसुन है उसी को रोपेंगे। जैसे कि कल हमने यहाँ पे रोपे हैं, इस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसी टाइप से रोपना है। लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, इसीलिए शायद मुझे दिक्कत होगा, तो इसको मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो हमने वो वाला ज़मीन के नीचे साइड में जो है, ये वाला ज़मीन, यहाँ पे सरसों दिए हैं, जो कि अभी निकल चुका है थोड़ा बहुत, पहले हम कभी लगाए नहीं हैं, ये फर्स्ट टाइम है। ये हमने खुद इसको क्या बोलते हैं बुने हैं, तो पता नहीं कितना हिसाब में बुनना चाहिए तो हमको नहीं पता, फिर भी हम ट्राई किए हैं। देखते हैं अगले साल, इस साल देखते हैं, फिर अगले साल हम और अच्छा से करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ से वहाँ तक वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ तक, फिर ये वाला ज़मीन है इसमें भी हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया जैसे लग रहा है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं बड़ा होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पे पूरा टोटल सरसों। और तो हमको इस टाइप से लाइन खींचना है, इस टाइप से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी में इस टाइप से खींचना है। कल ज़्यादा पानी हो गया तो वहाँ का पानी इधर आ गया, तो इसी टाइप से हम खींच लेते हैं पहले। थोड़ा
थोड़ा एक हाथ में काम करना दिक्कत लगता है। तो गाइस यहाँ पे हमने लाइन खींच चुके हैं इस टाइप से, लगभग 5-5 सेंटीमीटर दूरी में वहाँ तक खींच चुके हैं। उसके बाद हमको देना है थोड़ा कुछ खाद देना है, सॉरी थोड़ा वो जो गुरमर सार देना है। उसके बाद हम खाद देंगे, उसके बाद हम इसको रोपेंगे, जो कि इसको इस टाइप से करना है। तो मैंने तो अभी तक नहीं किया हूँ इस टाइप से, इसको हटाना है इस टाइप से एक एक बीज। ये पूरा देसी है, पूरा देसी है ये। हम प्राय तो इसी को हम रोपते हैं, क्योंकि वो जो हाइब्रिड है उसको ज़्यादा केयर लेना पड़ता है, और ये तो देसी है। ये देसी को जिस टाइप से भी रोपोगे ये हो जाता है। ये बहुत अच्छा ही हुआ है, देसी है लेकिन, और इसका स्वाद थोड़ा अलग है। तो हम इसको पहले इस टाइप से छुड़ा लेते हैं, उसके बाद रोपेंगे। तो गाइस अभी जो है हम इसको हम आधा ही छुड़ाए हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। तो इतना ही हम रोपेंगे, उसके बाद हम घर चला जाएंगे और कल सुबह आके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हम इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र देंगे, जो कि हमारे गुरमर, उसके बाद खाद, उसके बाद इसको रोपेंगे। चलिए हम इस फर्टिलाइज़र को पहले देते हैं। तो ये रहा फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे गुरमर या DAP जो भी है, इसको थोड़ा थोड़ा देंगे यहाँ से इस टाइप से। ज़्यादा हो जा रहा है, इस टाइप से देना पड़ेगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं थोड़ा खाद थोड़ा गुरमर हम दे चुके हैं। उसके बाद ये जो लहसुन है उसको हम यहाँ पे देंगे इस टाइप से। ये भी लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबी दूरी, 5। सूरज टहल चुका है, अंधेरा होने वाला है और थोड़े देर के बाद। और इधर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, तो अंधेरा हो जाएगा तो हमको दिखेगा अभी नहीं। तो इसीलिए मैंने फटाफट काम कर लेता हूँ। इसको जैसे किए उसी टाइप से हमको सभी को उसी टाइप से देना है। उसके बाद माटी ढकना है इस टाइप से ढक देना है। बस इस टाइप से ढकना है, बस हो गया, ये अपने आप उगेगा। तो चलिए हम इसी को भी कर लेते हैं। सो गाइस हमको थोड़ा ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कल बारिश हुआ है, उसके बाद आज भी हुआ थोड़ा बहुत बारिश, और फिर हमने यहाँ पे पानी जो है दे दिए थे कल। तो पानी इधर आ गया है इस साइड में, उधर से इधर आ गया है। तो ये जो है मिट्टी कीचड़ बन गया है, तो इसीलिए हम ज़्यादा दूर तक रोपाई नहीं कर पाए। उधर तो हो गया, लेकिन इधर का है जो ये जो हमने लाइन खींचे हैं, वो लाइन हम इस टाइप से, जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये पुश हो जा रहा है नीचे की ओर, ये मिट्टी जो है टाइट हो जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम रोपेंगे नहीं, बहुत दिक्कत लग रहा है इसको, हमने इसे ऐसे खुरेद के रोपना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है इस टाइप से। यहाँ पे देखिए ऊपर ही हो गया है, इसको हम ढकेंगे कैसे, ये तो मिट्टी पूरा जाम हो गया, देख सकते हैं पूरा जाम हो गया है। तो इसीलिए हम आज इसको हम रोपेंगे नहीं, कल रोपने वाले हैं। तो देखते हैं कल कैसा रहेगा, इस साइड में भी तो बादल सा है, तो देखते हैं। आज तो होगा नहीं, क्योंकि ये जाम हो जा रहा है, ये बहुत खुरेद नाखून से खुरेद के काम करना पड़ रहा है, इधर भी है बहुत टाइट हो चुका है। तो इसीलिए हम आज इसको रोपेंगे नहीं, तो हम चलते हैं घर की ओर। ओके, इसको पहले ढक लेते हैं इस टाइप से, ढकना भी नहीं हो रहा है, ये तो कीचड़ बन चुका है, ये देख सकते हैं कीचड़ बन चुका है इसमें। तो अगर ये सूख गया तो ये टाइट हो जाएगा, इसका
जर्मिनेशन या गाजा होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसीलिए हम इसको रोपेंगे नहीं। तो ढक देते हैं जिस्टे किसी तरह से, नहीं तो मामी गिर जाएगी। काम हमारा घटिया हो गया। हमने सोच रहे हैं कि कल बनाएंगे इसको, मतलब कि कल रोपेंगे इसको। तो चलिए हम घर की ओर चलते हैं, और उतना तो खास वीडियो नहीं बना पाया, तो देखते हैं कल सुबह की टाइम में कितना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना। और चलिए फिर मिलते हैं और एक दिन और कभी एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।